के मुखिया योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। घाटम देव इंटर कॉलेज वाहनपुर पतारा, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पतारा क्षेत्र के ग्राउंड में जनता को संबोधित किया। नेताओं की जुबानी जंग जारी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मैनपुरी जनपद की विधानसभा में किशनी में पहुंचे। अखिलेश की सरकार पर हमला बोला, कहा तमंचावादी सरकार ने आम जनता का जीना हराम कर दिया था। अब की बार मैनपुरी जनपद की चारों विधानसभा सीट पर कमल का परचम लहराएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनपुरी की जमीन पर समाजवादी सरकार में गुंडे माफिया कब्जा करते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अराजकता का तांडव था, गुंडई का हाल इस कदर कि पूरे प्रदेश में लोग बाहर जाने से डरते थे। त्योहार से पहले दंगे शुरू हो जाते थे। डबल इंजन सरकार आते ही ये गुंडे माफिया बिलों में घुस गए हैं। 2012 में जब इनकी सरकार आई थी, नाम के समाजवादी हैं, तमंचावादी, परिवादवादी भी अपने खानदान और बाहर के बारे में सोचे ही नहीं सकते। कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा में मौजूद जनसमूहों से अपील की है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो अच्छे परिणाम आएंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। इतिहास छुपा है मैनपुरी में। उसका गवाह भी है। लेकिन इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है। बीच के कालखंड में इटावा, मैनपुरी और इस पास आसपास के क्षेत्रों को बदनाम करके रख दिया था। अराजकता पैदा करने वाले तत्व, राहजनी करने वाले तत्व, दंगाग्रस्त और पंचावादी तत्व सत्ता में काबिज होकर के आम जनता का जीना हराम कर दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, इस देश ने करवट ली। देश के सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जैसा एक यशस्वी नेता भारत को मिला और 2014 के बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, 2014, 2017, 2019, ये लगातार विजय की जो सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चलता रहा, आज उसका परिणाम है कि किसी ने भी परिवर्तन के लिए पूरी तैयार पूरी की स्थिति क्या था? गुंडागर्दी चरम पर थी। माफिया किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, किसी भी सम्मानित नागरिक का जमीन पर कब्जा करके, भूमि पर कब्जा करके गुंडागर्दी करते थे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और अराजकता का तांडव तो इस कदर था कि कोई सम्मानित नागरिक बाहर जाने से डरता था, घर के बाहर निकलने में डरता था। पूरे प्रदेश के अंदर यही इन लोगों ने अराजकता फैलाई हुई थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, प्रदेश बदनाम होता था, व्यापारी तबाह होता था और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उस पर झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे। 17 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आती है तो आपने देखा होगा इस सभी माफिया और अपराधी नाम सुनकर के ही अपने बिलों के अंदर छुप गए थे। मतदान चल रहा है दूसरे पेज का, दूसरे चरण का।
40% से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया। अभी 5 घंटे और बाकी है, अगर यही स्पीड नहीं तो मतदान का प्रतिशत 75% तक पहुंच जाएगा। विकास होगा, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी, अन्नदाता किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों के लिए रोजगार भी आएगा और माफिया और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। सभी सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, भाग